लोग जो है कहीं ना कहीं मुमरा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं साफ तौर पे कहूँगी कि ये एक साजिश के तहत चल रहा है। दुआ में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है, दीवा में जो है जीरो है। तो ये चूक हुई है, तो उनके लिए मैंने उनको कमिश्नर साहब को ये कहा कि आप अपने स्तर पे ये मीटिंग बना के दोनों सहायक को बुलाएं, और एक्चुअली जो प्रभाग समिति दीवा प्रभाग समिति है तो दीवा प्रभाग समिति में डाला जाए, मुमरा प्रभाग समिति है तो मुमरा प्रभाग समिति में डाले। नमस्कार, मैं सरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में पिछले कुछ दिनों से लगातार मांगे तेज हो गई थी और पूरे मुमरा कौसा में ये विषय बना हुआ था और विषय बना हुआ है। COVID-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दीवा में आने वाले कौसा का कुछ हिस्सा जो दीवा में आता है, लेकिन दीवा के हद में पिछले दिनों आए कोरोना मरीजों की संख्या मुमरा में जोड़ा गया यानी काउंट किया गया, जिसके चलते ऑफिशियल रिपोर्ट 34 बताया जा रहा था और पिछले दिनों मुमरा में जो 3 कोरोना मरीज और बढ़े हैं वो सब मिलाकर 37 हो रहे हैं। यह ऑफिशियल रिपोर्ट लेकिन 34 है क्योंकि उसमें काउंट नहीं किया गया है, लेकिन हमने आपको बताया है अब तक की रिपोर्ट टोटल 34 है और 3 जो और कोरोना पॉजिटिव आए हैं जो कल आए हैं उसको नहीं जोड़ा है। फिर इसमें 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज दीवा में आते हैं, दीवा में काउंट करने के बजाय मुमरा में जोड़ा गया, जिसको लेकर हमने पहले कहा मुमरा कौसा में विषय बना हुआ है, जिसको देखते हुए प्रभाग समिति अध्यक्ष जो मुमरा प्रभाग समिति की है अश्रीन राउत, जो नगर सेवक भी हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई थी और नगर सेवक सानू पठान ने भी आवाज़ उठाई थी। यहाँ तक अधिकारियों को फोन पर भी सूचना दिया गया। उसके बाद अब थाने महानगर पालिका के तरफ से मुमरा प्रभाग समिति के सह आयुक्त महेश अहर ने एक पत्र जारी किया है। सबसे पहले महेश अहर ने पत्र में लिखा है, डॉक्टर RT केंद्रे को लिखा है, जो विशेष कार्य अधिकारी COVID-19 के हैं, फिलहाल अधिकारी थाने महानगर पालिका में है और ये पत्र महेश अहर ने 22/4/2020 को दिया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, कैसे COVID-19 के मरीजों को मुमरा में काउंट किया गया, कैसे फेरबदल हुई या फिर भूल चूक हुई। महेश अहर ने अपने पत्र में लिखा है, मुमरा प्रभाग समिति में सहायक आयुक्त पद पर कार्यरत हैं और मुमरा से सटे दीवा प्रभाग समिति है, कर वसूली ब्लॉक क्रमांक 162, 170, 171, 173, ये सब मुझे यानी मेरे हद में दिया गया है और इसी से लगकर MM वैली व शिमला पार्क सुरमे प्लाजा इस इमारत में COVID-19 यानी कोरोना के पेशेंट मिले हैं। जो 9 पेशेंट हैं वो दीवा के हद में आते हैं और 9 पेशेंट यानी मरीजों को दीवा में काउंट किया जाए, इसकी मांग अपने पत्र द्वारा महेश अहर मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त ने की है। यानी 9 मरीजों को अगर आप निकालते हैं या घटाते हैं तो मुमरा की संख्या कम हो जाएगी। अब दीवा प्रभाग समिति की बात करें तो पिछले दिनों हमने एक खबर चलाई थी जो अधिकारी ने बताया था साफ साफ लफ्जों में, दीवा ग्रीन जोन में है। आंकड़े उनके बताने के हिसाब से पहला पेशेंट आया था और वो भी 14 दिन में ठीक हो गया, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े में 3 बताया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें, ऑफिशियल आंकड़े में 3 है, जबकि अधिकारी यहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही था और वो भी जो है ठीक हो चुका है पेशेंट। और हम आपको सुनाते हैं मनीष जोशी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, पहले सुनिए आप। ठाणे महानगर पालिकेत एकूण 9 प्रभाग समित्या आहेत आणि त्या 9 प्रभाग समितीमध्ये दिवा प्रभाग समिती ही एकमेव अशी प्रभाग समिती आहे की तिथे फक्त एकच COVID-19 रुग्ण आढळलेला आहे आणि तोही बरा होऊन आज परत त्याच्या घरी आलेला आहे। आणि सगळ्यांनी एकमताने एक असा निर्णय घेतलेला आहे की आपल्याला दिवा प्रभाग समितीत कुठल्याही प्रकारे पेशंट आपल्या हद्दीत वाढता कामा नये। आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत, जसं तुम्हाला माहिती असेल की देशात लोक राजस्थानमध्ये एक शहर आहे भिलवाडा त्याचं नाव घेतात किंवा केरळचं नाव घेतात, पुढील काही दिवसात मला कॉन्फिडन्स आहे की लोक दिवा शहराचं नाव घेतील, किंबहुना दिवा मॉडेल म्हणून चर्चेला येईल। दिवा प्रभाग समिती मी जो राहुल चौरसिया आहे आणि आम्ही पहिली केस आहे जो 3 तारीख को सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होता, आज उसको डिस्चार्ज मिला है और वो एकदम ठीक ठाक, तबीयत उसकी ठीक ठाक हुई और आज वो घर पे लौटा है। आज हमारा ग्रीन जोन हो गया, पेशेंट था तो रेड जोन था, आज हमारा ग्रीन जोन हो गया। तो अगर हमारा ग्रीन जोन, अभी हमारी जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है,
क्योंकि हमारा जो ग्रीन जोन है हमको एक ग्रीन ही रखना है अभी। तो आपने सुना मनीष जोशी बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं ठाणे मनपा में नव प्रभाग समिति आता है और दीवा में पहला पेशेंट वो भी ठीक हो गया। जबकि यही बात दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सुनील मोरे ने भी बताया है और मनीष जोशी जो डिप्टी कमिश्नर हैं, क्या उन्हें भी पता नहीं था कि मुमरा से लगकर कुछ हिस्सा दीवा में भी आता है। इसके पहले दीवा मुमरा प्रभाग समिति एक था, मुमरा प्रभाग समिति ही दीवा में लगता था, लेकिन 2 साल पहले मुमरा से दीवा को अलग कर दिया गया था जो दीवा प्रभाग समिति बन गया और कौसा के कुछ हिस्से दीवा में लगते हैं। नगर सेवक सानू पठान, नगर सेवक जो है असरीन राउत जो प्रभाग समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई कि आखिर कैसे जो है 34 जो कोरोना मरीज हैं वो दीवा के भी इसी में मिलाया गया है। उसको लेकर जो है उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई प्रशासन तक और इसी को देखते हुए महेश अहेर जो मुमरा प्रभाग समिति में कार्यरत हैं उन्होंने पत्र लिखा, COVID-19 के 9 मरीज को दीवा में काउंट किया जाए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।